بلاد الشرفاء. इजराइल युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू। लगभग 90 दिनों से इजराइल के भयानक हवाई हमलों और धमाकों ने गाजा पट्टी की 3,55,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली। 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मर चुके हैं, लेकिन पिछले 240 घंटों से गाजा युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। हमास के साथ साथ हिजबुल्ला और ईरान के टॉप कमांडर्स को जिस तरह से मारा गया है, उसने पूरे मिडल ईस्ट में युद्ध की भयानक आग लगा दी है। तीन जनवरी 2024 को ईरान के किरमान में हुए दो धमाकों ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। दो जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास का डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी अपने 6 साथियों के साथ मारा जा चुका है और इजराइल उसकी मौत पर जश्न मना रहा है। जबकि 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में ईरान के आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल रजी मौसवी को इजराइल ने 3 मिसाइल हमलों से मार डाला है। ये ईरान, हमास और हिजबुल्ला का बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। ईरान, हिजबुल्ला, हमास, इजराइल से बदले का ऐलान। पिछले 300 घंटों में इजराइल युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। अब इजराइल पर एक तरफ से ईरान सीधा हमला करने जा रहा है। जबकि इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल को मिडल ईस्ट के नक्शे से मिटाने की कसमें खाई जा रही है। सुलेमानी की कसम, नक्शे से मिटा देंगे इजराइल। मिडल ईस्ट के इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वो दो चेहरे हैं जो इजराइल का वजूद पूरी दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। पहली तस्वीर में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि वो हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर में है ईरान के राष्ट्रपति, जो कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर ईरानी जनता के सामने इजराइल को मिटाने की कसमें खा रहे हैं। ईरान के किरमान में हुए बम धमाकों के लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर इजराइल ने हमास, हिजबुल्ला और ईरान के खिलाफ खुफिया और खौफनाक ऑपरेशन चलाए हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल पर 3 तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 240 घंटे के अंदर इजराइल ने किस तरह से हमास के साथ साथ हिजबुल्ला और ईरान पर सीधे बड़े हमले किए हैं। ईरान के किरमान में हुए जबरदस्त बम धमाके ने ईरानी सरकार को हिलाकर रख दिया है। 3 जनवरी को ईरान के किरमान में महज 20 मिनट के अंतराल पर 2 जबरदस्त धमाके हुए। दावा किया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से 2 सूटकेस में रखे विस्फोटकों से धमाके किए गए थे, जिसमें 103 लोगों की मौत हुई, जबकि 150 के करीब लोग घायल हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर लोग उनकी कब्र के पास जमा हुए थे। ईरान इन खूनी धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं इन धमाकों के ठीक एक दिन पहले 2 जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास के डिप्टी कमांडर को इजराइल ने खुफिया ऑपरेशन में मार डाला है। 57 साल के हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी पर उस वक्त ड्रोन से घातक हमला किया गया जब वो बेरूत की एक इमारत में
अपने 6 साथियों के साथ मौजूद थे। डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की मौत पर इजराइल जश्न मना रहा है, जबकि हमास और हिजबुल्ला अब खूनी बदले की कस्में खा रहे हैं। इसराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की ही तरह 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को मार गिराया था। मोसावी ईरानी राजदूत से जैसे ही अपने घर पहुंचे, तभी दोपहर 3 बजे उन पर इसराइल ने 3 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मिसाइल हमलों की वजह से मोसावी की लाश घर से उछलकर बगीचे में जा गिरी। تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود هزینه ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود मिडल ईस्ट में गाजा युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने बदले की कसम खाई है। खबर है ईरान की 5,75,000 एक्टिव सेना इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है, जबकि अभी इसराइल के 1 से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा युद्ध में फंसे हुए हैं। हालांकि इसराइल के पास 3 लाख रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल पर हमले शुरू कर चुके हैं। अगर हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के दावों पर यकीन करे तो हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा अच्छी तरह से जंग में ट्रेंड लड़ाके हैं। اونی که توی این میدان شکست خورده و سرفکنده تر از امروز از این میدان خارج می شود رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکاره تو وہیں دوسری طرف حماس کے پاس ابھی بھی 35,000 سے 40,000 لڑاکے ہیں جو इजरायली सेना से उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा और गाजा शहर में सीधी जंग कर रहे हैं। हम आपको हमास लड़ाकों के पिछले 7 दिनों के वो हमले दिखाने जा रहे हैं, जिसने इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमास के इन खूनी हमलों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भले ही इजरायल ने पूरा गाजा रौंद डाला हो, लेकिन हमास लगभग 90 दिन की जंग के बाद भी इसराइल पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है। आप जरा 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इजरायली टैंक के ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास का दावा है कि यह हमला इजरायली टैंकों पर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में किया गया है। हमास का यह भी दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2023 को इजरायली टैंकों पर हुआ है। इजरायल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल का मरकावा टैंक हमास और गाजा का काल बन चुका है। इसराइल इन्हीं टैंकों से अब तक 800 से ज्यादा सुरंगें तबाह करने में मदद कर चुका है। यही वजह है कि अब हमास इसराइल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है। कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फीट की दूरी से हमास हमले कर रहा है। हमास के रॉकेट इजरायली टैंकों के हैच वाले यानी ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंक बर्बाद हो रहे हैं। अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा में कब्रिस्तान बन चुकी इमारतों के पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है।
इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इजरायली सेना पर मध्य गाजा में ब्यूरिस शरणार्थी शिविर इलाके में इजरायली सेना पर हमला किया है। टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन इलाकों में अभी भी ज्यादा सुरंगें बची हैं, जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को भी एक हमले में 12 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया। हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो पता नहीं, लेकिन वीडियो में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना के मरकावा टैंक के ऊपर शील्ड लगाई जा रही है ताकि टैंकों को तबाह होने से बचाया जा सके। अब आप अंदाजा लगाइए इजरायल एक साथ तीन तीन दुश्मनों का सामना कैसे करेगा। ईरान के पास बेशुमार ड्रोन हमलों की ताकत है, हिजबुल्ला रॉकेट युद्ध में माहिर है, हमास के लड़ाके सुरंग युद्ध से इजरायली सेना पर सीधे घातक हमले कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल ताकत को रूस लगातार बढ़ाता जा रहा है, यहां तक कि अब जानकार दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन हमास के साथ साथ हिजबुल्ला और ईरान को भी जबरदस्त मदद का मन बना चुके हैं। यानी अब पर्दे के पीछे से ही पुतिन ने ईरान को जंग के लिए हरी झंडी देनी शुरू कर दी है। यानी मिडल ईस्ट में ईरान युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए अब हिजबुल्ला और ईरान खुलकर इसराइल को मिटाने का दावा करने लगे हैं। अब तक इसराइल के 480 से ज्यादा सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब गाजा युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू होने से पूरा मिडल ईस्ट तीसरे विश्व युद्ध में घिरता जा रहा है।